नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं एग्रीपीडिया इंडिया। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे कृषि विभाग के अंदर एक बहुत ही शानदार स्कीम चल रही है जिसका नाम है कृषि यंत्रों वाली स्कीम। उस पर हमें सब्सिडी मिलती है और इस स्कीम के अंतर्गत एक नया यंत्र भी जो ऐड हुआ है वो है कुट्टी की मशीन या फिर चारा काटने की मशीन या फिर चाप कटर। इस यंत्र पे हमें किस तरीके से अनुदान मिलता है, कितना परसेंट अनुदान है इस पर और इसके लिए आवेदन करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आवेदन किस तरीके से करते हैं। आवेदन आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं, जैसे खेत की नकल हो गई, आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई और उसके अलावा जो बिजली का बिल है, जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन का बिल होगा उसे ही इस योजना के तहत अनुदान मिल पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिजली का बिल। ये सभी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप राज किसान साथी पोर्टल पर आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो फ्री एकदम सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में जो आपकी प्री वेरिफिकेशन होगा वो हमारे विभाग के द्वारा किया जाएगा। प्री वेरिफिकेशन के बाद में आपकी एक AS जारी होगी। AS जारी होने के बाद में जब आप कृषि यंत्र क्रय करके लाएंगे तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी एक कर्मिक आपके एड्रेस पर पोस्ट वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा। इसमें आपको जो कृषि यंत्र है, मेन कृषि यंत्र है, उसके साथ में जो आवेदन करता है उसका एक फ़ोटो होगा। इस तरीके से वो फ़ोटो ऑनलाइन फाइल में लग करके वो डिपार्टमेंट जाएगा और जो आपकी 50% सब्सिडी है वो DBT स्कीम के माध्यम से आपके जो खाते में वो आएगी। जो इसमें मेन डॉक्यूमेंट हैं वो हमारा बिजली का बिल रहेगा। बिजली का बिल से तात्पर्य है कि जिसके नाम पर बिजली बिल कनेक्शन होगा या फिर आवेदनकर्ता के घर में किसी माता के नाम पर या पिता के नाम पर या फिर स्वयं के नाम पर या फिर पत्नी के नाम पर अगर बिजली का बिल कनेक्शन होगा वही इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। अब मैं इसमें कैसे आवेदन करते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है और कितनी फीस लगती है वो मैं आपको बताऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर।